हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और मैं ये वीडियो उस पर्पस से बनाया जो बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि पोलैंड में कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, तो उसी के लिए मैंने बनाया। पोलैंड में अवेलेबल जॉब बहुत सारी हैं, जैसे स्टार्टिंग जैसे इंडियन शेफ की जो मैं हूँ, और बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं पोलैंड में, बहुत सारे रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट हर सिटी में हैं, क्राकू में, पोजनान में, वॉर्सो में, गदांश में, क्वेटन में, ऑलमोस्ट सारी सिटी में इंडियन रेस्टोरेंट पाए जाएंगे जहां इंडियन शेफ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी पर्पस से मैंने वीडियो बनाया है, और भी सेक्टर में हैं, जैसे ड्राइवर की, क्लीनर की, और आपका कहलाया फैक्ट्री में पैकेजिंग के लिए है, फूड पैकेजिंग, चेन पैकेजिंग, कार्टून बनाने की कंपनियां, बहुत सारे ऐसे जो हैं प्लेस जहां जॉब अवेलेबल है। लेकिन अभी की सिचुएशन जो है बहुत क्रिटिकल है। बहुत से लोगों ने बोला कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं 90%। तो हाँ, ये तो सही है, बहुत रिफ्यूज़ हो रहे हैं। इसका कारण है, एक तो कारण यही है कि लोग, पता नहीं, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और सारे ऑलमोस्ट एजेंसी के थ्रू कोविड के बाद ओपन हुआ है जो वीज़ा वर्क परमिट स्टार्ट, तो एकदम से लोगों को शौक हुआ है कि पोलैंड जाना है। हाँ, मैं मानता हूँ जाना है, लेकिन थोड़ा रुक के करें, क्योंकि अगर से 100 जॉब अवेलेबल हैं और एकदम से 1,00,000 करेंगे तो फिर तो आप ही सोचो, वो तो रिजेक्ट होना है। और सेकंड थिंग ये भी है कि वॉर हुआ है, वॉर के कारण जो यूक्रेन के लोग हैं, कम से कम 2 मिलियन लोग जो हैं अभी पोलैंड में हैं, और जो फैक्ट्री में जॉब थी और दूसरी क्लीनिंग की यहाँ वहाँ की जॉब थी, तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। मतलब अब वो उधर रह रहे हैं तो वो भूखे तो मर नहीं सकते, तो उनके लिए भी जॉब चाहिए ना। तो गवर्नमेंट पहले उनको प्रोवाइड कर रही है जॉब, फिर बाद में बचा कोचा दाना यहाँ वहाँ फेंक रही है। तो मैं तो यही बोलूँगा, अभी पैसे बर्बाद करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी अप्लाई करके थोड़ा सब्र रखें जब तक ये यूक्रेन की लड़ाई नहीं ख़त्म हो जाती। जैसे यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म होगी तो सारे लोग अपने अपने देश लौट जाएंगे, जो भी हैं, मतलब कुछ तो चले ही जाएंगे जितने सारे लोग हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा थम जाएं, अभी पैसा को वो करके रखें, क्योंकि आपके इस कदम के चक्कर में जो एजेंट लोग हैं उनको भी वो हुआ है कि यार लोगों को जॉब चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, तो क्या करते हैं वो, डुप्लीकेट, मतलब वो स्कैन करके नाम हटा के दूसरे का आपका नाम डाल देंगे,
वही जगह कंपनी चेंज कर देंगे वो, और आपको दे देंगे, आप बन जाओगे उल्लू। मैंने बहुत सारे देखे हैं ऐसे वर्क परमिट जहाँ स्टैम्प ही नहीं है, किसी का नाम है तो बराबर से नहीं है, कहीं वेरिफिकेशन नंबर है तो वो नहीं है, हटा दिया, न साइन है न कुछ है। बहुत लोगों को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा बताया हूँ और बहुत लोगों को बचाया। तो भाई मैं भी काम करता हूँ यार, मुझे भी टाइम नहीं मिलता कि मैं हमेशा आपका रिप्लाई देता रहूँ। तो प्लीज़ आप खुद इतने समझदार हैं, जो भी अप्लाई करता है तो उसमें से वर्क परमिट के लिए, और ये भी है ना, वर्क परमिट के लिए 2 से 3-4 महीने लग जाते हैं, और एजेंट लोग वो कर लेते हैं फिर बाद में सॉफ्ट कॉपी बोल के बोलते हैं हमारे पास, जबकि सॉफ्ट कॉपी होती नहीं है। वर्क परमिट के 3 परमिट इशू होंगे, एक परमिट एम्प्लॉयर के पास जाएगा, एक परमिट जो है आपके पास आएगा जो अप्लाई मतलब एम्प्लॉई है उसके पास, और एक परमिट जाएगा एम्बेसी जो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये बंदा किया है कि नहीं। और बहुत से लोगों को डुप्लीकेट देके बोल दिया सबमिट कर दो, उधर जाते ही रिजेक्ट कर देते हैं, वो आपका घाटा है उसमें। एजेंटों को क्या है, पैसे मिल गए, और सेकेंड थिंग वर्क परमिट इशू होने में कितना पैसा लगता है, इंडिया का 4,000 रुपये, ज़्यादा नहीं है, वो लोग ले लेते हैं आपसे 30-40 हज़ार रुपये, अगर से 20,000 भी उधर दे दिया चलो इशू करवाने को, तो 20,000 उनका फ़ायदा हुआ ना। इसीलिए सोच समझ के भाई अभी कदम उठाओ। अभी तो मैं यही सजेशन करूँगा कि अभी रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, और मैं जल्द ही एक वीडियो बना रहा हूँ, जो एक एजेंट है जो पोलैंड में ही है, और मैं उसका नंबर, कंपनी का नाम, और उसका नाम सारा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, लिंक डाल दूँगा उसकी कंपनी का वेबसाइट, उसका नंबर डाल दूँगा जो कंपनी का नंबर है, तो उसमें जाके आप व्हाट्सएप से डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप उससे पूछ सकते हैं। और वो फैक्ट्री के लिए हायर करता है, हेल्पर के लिए हायर करता है, शेफ के लिए हायर करता है, ड्राइवर है ड्राइवर के लिए, और जो भी फैक्ट्रियां कंपनियां हैं, फूड पैकेजिंग, चिकन पैकेजिंग, ये सारे जितने भी हैं ये सारे को हायर करता है, और ये जेन्युइन बंदा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको जल्द ही डालूँगा, और उससे 2 बंदे ऑलरेडी पोलैंड चले गए हैं, मेरे दोस्त हैं वो, तो उनका भी वीडियो मैं डलवाऊँगा, उनका भी वीडियो डालूँगा। एक तो बंदा ऑलरेडी है, और एक उसका कल ही वीज़ा लग गया, और वो 12 तारीख को मूव कर देगा इंडिया से, तो ऐसा लीगल करके। अब देखो भाई, एजेंट का मैं तो गारंटी ले नहीं सकता भाई कि कब किसकी मतलब किसको लालच हो जाए, कब कहाँ कि लोग हाँ यार पैसे आ रहे हैं, तो फिर वो भी बदल सकते हैं ना, हम उसको गारंटी तो ले नहीं सकते हैं कि बंदा 4 का निकाल रहा है सही तो 5वे का निकाल दिया रॉन्ग। लेकिन उसने तो बोला है कि हम जेन्युइन काम करते हैं, और लॉयर भी है, TRC का भी काम करता है, जो भी पोलैंड में आ गया उनका भी TRC अगर से सेल्फ अप्लाई करना है तो वो हेल्प करता है उसमें, उसके चार्जेस हैं जो भी हैं वो लेता है, और लॉयर भी है वो। तो मैं अभी यही सजेशन करूँगा कि अभी रुक जाइए जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं हो जाता, और जॉब तो ऐसा है कि मिल ही जाएगी, लेकिन थोड़ा भी सब्र करो, अगर से आपको पैसे लौटाने की जल्दी है तो आप कर सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। और
मैं आपको जो बोल दिया कि जल्दी वो एजेंट का कंपनी का नाम और उसकी लिंक व्हाट्सएप नंबर मैं बना के वीडियो डालता हूँ आपको, तो आप उसके थ्रू जुड़ जाना और मैं उसकी भी वो नहीं करता भाई, मेरे दोस्त गए हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो बंदा। अब दो लोगों का तो सही कर दिया है, अब आगे का पता नहीं है कि वो क्या है, लेकिन दो लोगों का तो सही से किया है और दोनों को वीज़ा मिल गया है बराबर से, और उनका वही खर्चा आ गया है अराउंड 2 से 3 लाख रुपए आया है सब चीज़ करके। वो आधा आधा पैसा दिया है, आधा पैसा पहले वर्क परमिट के पहले दिया था और आधा पैसे वर्क परमिट के बाद। तो आप अपने तरीके से बात कर लेना वो कितना क्या लेता है, मुझे तो इतना बोला है भाई, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि इंसान का कब भाव बढ़ जाए कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। तो मैं अभी यही सजेशन करूँगा कि अभी थोड़ा थम जाओ 2-4-6 महीना जब तक ये वॉर नहीं ख़त्म हो जाता, जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाए तो आप अप्लाई स्टार्ट कर देना। वही मैं और ये जो एजेंट जो वो करते हैं ना कि हाँ हम सच में करेंगे ये करेंगे, तो मैं यही बोलता हूँ कि जो भी वर्क परमिट आए उसमें स्टैंप देख लेना रियल स्टैंप है कि नहीं, और आपको ऐसे ही विदाउट स्टैंप के दे रहा है, आगे भी स्टैंप रहेगा पीछे भी वो रेड कलर का रहेगा, तो ये देख के ध्यान करके और आपको मेल में भेज देगा कि सॉफ्ट कॉपी पैसे दे दो इतने उतने, तो बोल देना भाई पहले हमको स्टैंप वाला वो दो फिर हम पैसे देते। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपके भले के लिए, मैं नहीं चाहता यार कि आपका पैसा जो है वेस्ट हो जाए, फालतू वेस्ट हो, और आप मुझे पता है इतनी मेहनत से कमाते हो 12-13 घंटे जॉब करके, फिर लास्ट मोमेंट में पता चले कि बंदा आपके 1-2 लाख गटक गया, बोलता है वेट करते करते भाग गया। बहुत से लोग इंडिया में तो सबसे ज़्यादा यही है, फ्रॉडगिरी ज़्यादा है, बड़े बड़े ऑफिस रख लेते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए नहीं है भाई, अगर से वर्क परमिट के लिए जा रहे हो स्टेटमेंट नहीं चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाते भी हो तो आप अपने उसके लिए लगाते हो लेकिन ज़रूरी नहीं है, चेकलिस्ट उधर VFS से मिलती है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि चाहिए। और जिस बंदे को भी अपॉइंटमेंट चाहिए दिल्ली से कोलकाता से मुंबई से कहीं से भी, तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारी न्यू अपडेट आएगी तो हम वीडियो को माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे, क्योंकि हर बंदे को मैं एक एक करके मैसेज नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं वीडियो को मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, जैसे ही मैं डालूँगा आपको अपडेट पता चल जाएगा न्यू वीडियो का, और मैं और भी वीडियो बना के डालने वाला हूँ जॉब के उसमें, और दो एजेंट हैं, एक पोलैंड का है एक UAE का, तो ये जेन्युइन बंदे हैं, अब आगे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अभी तक तो जेन्युइन हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ बदल जाए, तो मैं उनकी भी गारंटी नहीं लूँगा भाई, मैं अपनी गारंटी नहीं लेता, कम में लुढ़क जाऊँ तो उनका क्या भरोसा, मेरे बॉडी का एक बाल भी मेरा का गारंटी नहीं ले सकता मैं, फिर वो तो दूसरे हैं, लेकिन ये है कि मेरे दोस्त गए हैं तो मैं ये एग्री करता हूँ कि बंदा उसने तो काम कराया है पोलैंड के लिए। तो भाई और भी जैसी वीडियो अपडेट करूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें जो मैंने बोला है भाई, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, आगे आपकी इच्छा। जय हिंद।
जय भारत, नमस्कार।